की भारत माता की वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरे सभी साथीगण जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सामाजिक संगठन में व्यापारिक संगठन में और जहां भी उनको लगता है कि लोग अभाव में वंचित हैं गरीब हैं उनकी सेवा और समर्पण के लिए ये शहर हमेशा समर्पित रहा है और इस शहर का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम आप सभी महान भावों ने किया है। हम सब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों लाखों लोगों के बलिदान और कुर्बानी के बाद हमें मिला है। हम सब आजादी के बाद पैदा हुए लोग हैं लेकिन हमने आजादी के इतिहास को पढ़ा है। आजादी की लड़ाई भी हमने पढ़ी है, आजादी की लड़ाई भी कुछ दृश्य हमने देखे। हमने 14 अगस्त आज के दिन विभाजन की वह त्रासदी भी हमने देखी है, किस तरीके से लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस भारत की धरती पर आए और उस विभाजन की त्रासदी को उस पीड़ा को उस पीढ़ी ने सहा है। वह दुख व पीड़ा आज भी हमारे मन में है और कई करोड़ों लोग जो अपने घर से पलायन करके यहां पर आए थे अपनी जान बचाकर आए थे उन्होंने इसी देश के अंदर अपने पुरुषार्थ से अपनी मेहनत से इस देश के निर्माण में भी योगदान दिया और अपने जीवन को भी जीने की राह बनाई और इसीलिए यह आजादी का अमृत महोत्सव हमारे संकल्प का पर्व है। हमने आजादी के बाद अपनी एक लंबी विकास यात्रा के माध्यम से हम सबके सामूहिक प्रयासों से देश आगे बढ़ा है। आजादी के बाद जिन लोगों ने देश की सरकार को संभाला उन्होंने भी और इस लंबे 75 साल की यात्रा में सभी लोगों ने अपने अपने समर्पित भाव से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस संकल्प पर्व को सिद्धि का पर्व करें। अब समय आ गया है कि 130 करोड़ जनता की वह समर्थ शक्ति व ताकत दुनिया ने देखी है और इसीलिए हम समग्र शक्ति और ताकत को सामूहिकता के साथ करेंगे, मिलकर करेंगे, अपने अपने प्रतिष्ठान में अपने अपने कार्य में हमें कर्तव्य बोध और कर्तव्य भावना से किस तरीके से मैं मेरे देश को योगदान दे सकता हूं ये संकल्प की आज आवश्यकता है। साथियों जब हम आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है।
उस समय की उस कालखंड की पीढ़ी ने जिस तरीके की देशभक्ति राष्ट्रभक्ति थी, जो समर्पण था देश के लिए, वो समर्पण हमें जगाने की आवश्यकता है। हम सबको जन जन के अंदर उन शहीदों को याद करने का और उनकी कुर्बानियों का श्रद्धांजलि देने का यही वक्त है कि हम अपने प्रयासों से, हम अपने दायित्वों में, अपने काम में, हमारे कर्म में देश सबसे आगे हो। और सभी जहां भी जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, जहां भी काम करें, ये मन में विचार रहे कि मुझे इस देश को आगे बढ़ाना है, मेरा भी इस देश के प्रति कोई न कोई दायित्व है, कर्तव्य है, ये हमें मन विचार में हमेशा रखना है। ये मन विचार में जब व्यक्ति के हर कार्य में रहेगा तो वह कार्य को सफलतापूर्वक भी करेगा और उसमें देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस देश की जनता के प्रति समर्पित भाव होगा। मुझे मेरे शहर पर हमेशा गर्व होता है। ये शहर एक जीवंत शहर है। जब भी कोई आपदा, संकट, विपत्ति आती है तो किस तरीके से उस संकट, आपदा, विपत्ति के अंदर हम सामूहिक प्रयासों से उस आपदा और संकट के अंदर उस वंचित गरीब की सेवा करने का काम करते हैं। और यही समय आ गया है कि हम सब अपनी आंखों से जो भी हम देखें, हमारी नजरें जहां तक आए, हमें कोशिश होनी चाहिए कि अभाव में रहने वंचित व्यक्ति के जीवन को कैसे बदला जा सकता है। यही हमारा असली कर्तव्य है। अगर हम सब इस लक्ष्य के साथ, इस ध्येय के साथ चलें कि मैं मेरे प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, तो एक नए राष्ट्र का निर्माण हम सब कर सकते हैं। इसलिए यह हमारे लिए संकल्प का पर्व है। और आज जब हम हर घर पर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहरा रहे हैं, तो ये तिरंगा हमारी आन शान का प्रतीक है। ये तिरंगा हमारी देशभक्ति का प्रतीक है। जब तिरंगा हमारे हाथ में होता है तो हमारे मन क्रम विचारों में कहीं ना कहीं देश रहता है। और इसीलिए आज हम सब संकल्प लें कि आज से 15 अगस्त तक हम अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएंगे और इस संकल्प लेंगे कि आजादी के बाद जो हमारा 75 साल का अमृत काल खंड होगा, उस समय दुनिया के अंदर भारत सबसे समृद्ध, विकसित और दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश होगा। यही हमारी शक्ति सामर्थ्य है। और हमें इस 75 साल की यात्रा में इस संकल्प के साथ कि जब आजादी का शताब्दी देश हो तो दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करे, हमारी समग्र शक्ति, हमारे नौजवानों की ताकत दुनिया के अंदर नेतृत्व करें। आइए हम सब मिलकर इस आजादी के अमृत महोत्सव को संकल्प लें और संकल्प और सिद्धि का को प्राप्त करने का हम प्रण लें। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बड़ी संख्या में आप आए और आज और कल हम इसको उत्सव को मनाएं। ये उत्सव हमारे संकल्प का उत्सव होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। और लीजिए साथियों।